कोई अच्छी बात भी नहीं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप दुनिया को तस्खीर करें, कमाएं, कमाने के जितने जरिए हैं इस्तेमाल करें। और कमाने के सिलसिले में इस्लाम का एक रवैया बता दूं, फिक्र इस्लामी और अहले बैत ने जो सिखाया है वो बता रहा हूं, कान खोल के सुनिएगा, और जो कह रहा हूं कहा सुना याद रखिएगा, भुला ना दीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो कल्चर है एक अरसे से, उसमें सबसे पहले बच्चों को तैयार करते हैं मुलाजिमत के लिए। किस लिए? सर्विस मुलाजिमत, सर्विस मुलाजिमत। और सबसे बड़ी फिक्री होती है कोई सरकारी मुलाजिमत मिल जाए। ये फिक्र बुनियादी तौर पर गलत है, इसे खुरच खुरच के दिल से दिमाग से निकाल दीजिए, मिटा दीजिए। अहादीस मासूमीन की पढ़िए जो माश के सिलसिले में, किताबुल मताजिर, किताबुल मकासिब, उसके मुतालिका जो अबवाब हैं, अहादीस पढ़े। मासूमीन ने बहुत हिदायतें दी हैं रोजी रोटी के मसले पर, उमूर माश पर। उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया है तिजारत पर, बिजनेस करें, छोटे से बिजनेस से आगाज करें, खुद ब खुद अल्लाह बरकत देगा। कोई बिजनेस जलील नहीं होता, आप माल रख रहे हैं बेच रहे हैं। बिजनेस में क्या है, आपकी खुदी आजाद है, आप आजाद हैं, वाज़े हैं, आप आजाद हैं। ये इल्लत वो है, ये क्यों, ये मासूम ने खुद बताया का जब तुम अपनी मेहनत या अपना वक्त फरोख कर देते हो, किसी के यहां मुलाजिमत करते हो, तो तुम गोया गुलाम हो जाते हो, तुम्हारी आजादी सल्ब हो जाती है। इसलिए तुम तिजारत करो पहली बात, या फिर ज़राअत करो दूसरी बात। जमीन है, ज़राअत करो। हजारों चीजें ज़राअत की हैं, तरह तरह के नए नए तरीके ज़राअत के पैदा हो गए हैं, हैं? ज़राअत करें, तिजारत करें। फिर सनअत है, सनअत तिजारत और ज़राअत के साथ सनअत है, ये सब मासूमीन ने सिखाया है। सनअत यहां तक फरमाया कि मुझे हैरत है कि जिसके पास मिट्टी और पानी है वो भूखा कैसे रह सकता है। यानी कुछ नहीं तो मिट्टी से, पानी से, मिट्टी गूंद के खिलौने बना के बेच सकते हो, मिट्टी के बर्तन बना के बेच सकते हो, मिट्टी से न जाने क्या क्या कुछ बना। ये मासूम का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है, कि हैरत है मुझे कि जिसके पास मिट्टी और पानी हो वो भूखा कैसे रह सकता है। तो सनअत कुछ बनाना और बेचना, ठीक है, इंडस्ट्री, सनअत, ज़राअत एग्रीकल्चर और तिजारत, ये तीन चीजों को सबसे ज्यादा मासूमीन ने फौकियत दी। चौथी और आखिरी मंजिल पर कहा कि अगर कुछ न कर सको, और कूत ला यमूत, कूत ला यमूत यानी जीने के लिए कुछ जरूरी हो तो फिर जाओ किसी की मुलाजिमत कर लो, कोई हर्ज नहीं। याद रहेगी ये बात, आखिर तक पहुंच रही है बात, हमारी माएं बहने सुन रही हैं। जवान बच्चे सब सुन रहे हैं ना,